संडे का दिन है, सुहाना सा दिन है, और एक सेकंड सामने क्या नजर आ रहा है भाई, सीढ़ियां। ओहो, तो लगता है लॉस सैंटोस के अंदर आज के स्टेयर वे चैलेंज चल रहा है गाइस। जरा चलते हैं, उससे पहले जरा तुम लोग एक बार अपनी ये वाली गाड़ी देखो भाई, लैम्बोर्गिनी उरुस नई गाड़ी खरीद कर आया हूं, और क्या बेहतरीन लग रही है भाई ये। और सबसे स्पेशल चीज इसकी हैंडलिंग एंड लुक्स, बहुत ही एपिक है भाई लुक्स इसके। एक ही थी लैम्बोर्गिनी उरुस, मैंने सोचा थोड़ा और डिफरेंट वगैरह कलर्स वगैरह मिलेंगे, बट साइमन के शोरूम में भाई एक यही गाड़ी थी, तो मैं लेकर आ गया। ठीक ही लग रही है, कलर वाइज भी येलो ब्लैक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है एंड एकदम परफेक्ट है। खैर इसे छोड़ो यार, सामने की तरफ तुम लोग देखो भाई, कुछ तो स्टेयर वे चैलेंज चल रहा है। लॉस सैंटोस के अंदर मैंने एक्स्ट्रा नोटिस किया है, संडे के दिन ऐसे कुछ चैलेंजेस होते रहते हैं। एक काम करते हैं जरा चल के, ओ भाई साहब साइड में चला रहे भाई, काम करते हैं जरा चल के पार्टिसिपेट करेगा भाई चैलेंज में। कहां से शुरू हुई चैलेंज, अंदर से यहां से है क्या? सीढ़ियां तो यही से आती हुई दिख रही है, नहीं बाहर से हाईवे से। अब मैं बाहर कैसे जाऊं? अरे यार गाड़ी घुमा के वापस लेके जाना पड़ेगा। चलो ओके, अरे कहां गोल्फ कोर्स पे लेके आ गया यार मैं अपनी उरुस, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, जाने दो मेरे को बाहर जाने दो। ओके आराम से बाहर निकलते हैं। अरे कहां पौधे वौधे सब तोड़ता दिए मैंने। ओके हंटी जी साइड में जाओ, फाइनली पहुंच गए हम लोग सीढ़ियों की तरफ गाइस। अरे यार मिल गई है गाड़ी, मैं तो फुल एकदम ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट भी मारूं भाई, एसयूवी होते हुए तो थोड़ी ड्रिफ्ट लग रही है इससे। एक बार तुम लोग देखो तो सही, मस्त मस्त गाड़ी मिल गई अपने को। फिलहाल ये है एक स्टेयर विद चैलेंज, क्या खास होगा इस चैलेंज में आई हैव नो आईडिया भाई, पर कुछ तो है। जरा जूम करके देखता हूं अपने फोन से। ओके क्या ये फुटबॉल्स, फुटबॉल्स जरूर कुछ और भी होगा यार, फुटबॉल्स के लिए कौन जाता है उतनी ऊंचाई तक, पता नहीं भाई क्या है टॉप पर, बट डेफिनेटली गाइस इतनी मेहनत करके कोई बंदा टॉप तक पहुंचेगा, डेफिनेटली यार कुछ प्राइस वगैरह तो मिलेगा ही। पता नहीं भाई, कोई भरोसा नहीं सीढ़ी वालों का, पता चला इतनी मेहनत करके मैं सीढ़ियां चढ़ूं और एंड में जाकर सिर्फ सिंपल सी वो फुटबॉल्स मिले, क्या फायदा फिर इतनी मेहनत करने का। लेकिन हाँ ये भी आज संडे है, मेरे पास कुछ काम वाम है नहीं, तो चलो थोड़ा अपना मजा भी आएगा सीढ़ी वाला चैलेंज करने में। मैं जाने वाला हूं गाइस, कुछ भी प्राइस मिले मुझे मतलब नहीं है, मैं तो चला भाई टॉप पे, लेट्स गो फुल स्पीड। ओके अरे क्या कर रहा हूं मैं, ओके लेट्स गो फुल स्पीड, चलते हैं दौड़ते हैं फटाफट, सीढ़ियां चढ़ने में हालत खराब हो जाती है यार, शायद अपने को फर्स्ट लेवल पे कुछ मिल जाए कोई व्हीकल वगैरह जिससे हम लोग और फास्ट फास्ट जा सकते हैं। नहीं यार भाई, तो मैं घोड़े की तरह से दौड़ते ही रहने वाला हूं, एकदम आराम से सीढ़ियों पे दौड़ते दौड़ते टॉप पे पहुंचूंगा मैं, क्यों कूद गया? अरे यार दौड़ने की बात हो रही थी, कूदने की नहीं। वापस शुरू करते हैं। अरे मैडम हटो जरा साइड में हटो ना। ओके वापस शुरू करते हैं गाइस, चलो ओके लेट्स गो फुल स्पीड। यार क्या हो सकता है फुटबॉल्स के पास, यहाँ से तो सिंपल से सिर्फ फुटबॉल से नजर आ रही है। वैसे बहुत ऊंचा है भाई ये स्टेयर केस, देखने में काफी ज्यादा छोटा लग रहा होगा तुम लोगों को, बट लिटरली मेरी मानो भाई उस वाली बिल्डिंग के बराबर होगा कम से कम, ये मेज बैंक बिल्डिंग से तो ऊपर ही होगा इतना तो तुम लोग मान के चलो भाई। ओके फर्स्ट लेवल भी काफी ठीक ठाक हाइट पर है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, फर्स्ट लेवल पर जल्दी पहुंचने वाला हूं मैं। ओके फास्ट फास्ट दौड़ो, अरे टाइम नहीं लगेगा यार, तुम लोग देखो कितनी ज्यादा तेजी के साथ दौड़ रहा हूं मैं। अरे वाह नाइस, जल्दी जल्दी। ओके यहां पर बीच में गैप है थोड़ा आराम से, वो भाई जैसे जैसे चढ़ता जा रहा हूं हाइट बढ़ती जा रही है। किसी को अगर हाइट का फोबिया हो तो वो चैलेंज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता ये वाला भाई, बिल्कुल उसके पास की नहीं अगर किसी को हाइट का फोबिया है। फिलहाल मुझे तो नहीं है, मैं तो बिंदास बढ़ता जा रहा हूं, और यहां पर धीरे धीरे करके फर्स्ट लेवल पर पहुंचने वाले हैं। लॉस सैंटोस वालों मेरे को एक बार गिफ्ट मिलने दो बेटा, तो बता दूंगा मेरी तरफ से सबको पार्ट नहीं, सब तो यार कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे, लॉस सैंटोस में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको नहीं कुछ गिने चुने लोगों को जरूर पार्टी दूंगा मैं। ये क्या है, बाइक जो कि एक केज के अंदर बंद है, एक साइकिल जो कि एक केज के अंदर बंद है। व्हाट, साइकिल और बाइक केज कैसे खुलेगा? नहीं खुल रहा यार, लात वात मारने से तो। हेलो हेलो, रुको रुको गन चला के देखता हूं मैं, शॉटगन का यूज, खुल जा केज, केज भाई खुल जा। अरे ये केज क्यों नहीं ओपन हो रहा है, ओपन कैसे होगा? हेलो भाई कोई बताएगा जरा मेरे को। वेट वहां पर एक पेपर पड़ा हुआ है यार, है पेपर, जरा उठा के देखते हैं गाइस पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके पेपर मैंने उठा लिया, और पेपर के अंदर तुम लोग देख सकते हो गाइस लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ $1000 लिखा है इसके अंदर। ओके रख देते हैं इसे, चलो भाई ये पेपर मैंने देख लिया, इसके अंदर $1000 लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा है जरा चेक आउट करते हैं। ओके तो इसके अंदर तुम लोग देख सकते हो गाइस $1,00,000 लिखा हुआ है। ओ भाई साहब वापस रखने से वापस रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये वाली बाइक चाहिए तो मुझे $1,000 लाने होंगे, मतलब ये वाली साइकिल चाहिए तो $1,000 लाने होंगे, और अगर ये वाली बाइक चाहिए मुझे तो मुझे $1,00,000 लाने होंगे। आई गेस गाइस अंदर कुछ ज्यादा नहीं है भाई, बाइक के लिए सिर्फ $1,000, इसके लिए $100,000, क्या किया जाए? आई गेस मुझे लगता है यहाँ पर पैसे लाके रखने होंगे और ये केज हट जाएगा और हमें वो व्हीकल मिल जाएगा। तो देखो भाई मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं $1,000 में ये सिंपल सी साइकिल खरीद सकता हूँ, या फिर फुल ये एकदम तगड़ी वाली स्टंट बाइक खरीद सकता हूँ $1,00,000 में। पता नहीं भाई टॉप पे मुझे $1,00,000 मिलेंगे कि नहीं, लेकिन ये बाइक फिलहाल $1,00,000 की कीमत की लगती नहीं है मुझे। मैं काम करता हूं भाई, साइकिल ही अनलॉक करते हैं। लेकिन एक सेकंड, मैं साइकिल भी क्यों अनलॉक करूं, मेरे पास और बढ़िया आइडिया है भाई, इन दोनों में से क्यों यूज करना है, मैं किसी और के लिए क्या करता हूं साइकिल या फिर बाइक। अरे ये आइडिया मेरे दिमाग पहले क्यों नहीं आया, अरे बढ़िया ये वाला आइडिया बढ़िया, मैं इनकी क्यों यूज करूं भाई, पैसे देके बाइक या फिर साइकिल में से कुछ भी, मैं किसी और के लिए कर आता हूं, राह चलते किसी की बाइक छीन लेते हैं और उस वाली बाइक का यूज करेंगे गाइस इस चैलेंज को कंप्लीट करने में। अरे वाह भाई सही है सही है, मस्त आइडिया, इस तरीके से हम लोग जल्दी टॉप पे पहुंच जाएंगे। रुको कोई बाइक चलाता हुआ बंदा है क्या यहां पे आजू बाजू, और कोई बाइक वाइक चला रहा है तो बता दो, कोई सा बाइक चला रहा है तो मेरे सामने आ जाए यार, बाइक ढूंढना भी मुश्किल हो गया क्या, सिर्फ गाड़ियां दिख रही है यहां तो, बाइक तो कोई चलाता हुआ दिख नहीं रहा है, क्या करूं मेरे को, एक बंदे की गाड़ी छीनते हैं। अरे भाई साहब सॉरी मैडम गाड़ी देना जरा, एक्सक्यूज मी मैम गाड़ी प्लीज, चलो बाहर निकलो। हां अब जल्दी से मैं एक बाइक का जुगाड़ करके लाता हूं, इधर कोई ना कोई बंदा बाइक चलाता हुआ दिख ही जाएगा यार, संडे है घूमने निकले होंगे बाइक बाइक लेके। अरे कोई सा बाइक चला रहा है क्या भाई, बीच पर हूं मैं, कोई भी नहीं दिख रहा यार बाइक चलाता हुआ तो। खैर अरे किसी के पास बाइक नहीं है, सब इतने अमीर रखते हैं, सब गाड़ियां लेके घूम रहे हैं भाई। हेलो अरे बाइक है क्या किसी के पास भाई? नहीं किसी के पास भी बाइक नजर नहीं आ रही है, बल्कि कोई बाइक ही नहीं दिख रही है मुझे यहां पे, सिर्फ गाड़ियां दिख रही है। ये क्या हो रहा भाई, लॉस सैंटोस में बंदे इतने अमीर कब से हो गए हैं, गाड़ी के अलावा किसी के पास कोई व्हीकल भी नहीं दिख रहा है, साइकिल वाइकिल भी नहीं दिख रही भाई। अरे एक बाइक दिख जा प्लीज, पता नहीं भाई क्या हो रहा है, पूरे लॉस सैंटोस में एक बाइक नहीं दिख रही है, बाइक के चक्कर में मैं यहां पर मिलिट्री बेस तक भी पहुंच गया लेकिन एक बाइक नहीं दिख रही है भाई। ये कहीं स्टेयर वे चैलेंज वालों ने पूरे लॉस सैंटोस वालों को बाइक लाने से मना तो नहीं कर दिया है? मुझे तो लग रहा है यार मेरे पास बाइक नहीं है, वरना मैं बाइक से आराम से चैलेंज कंप्लीट कर देता, किसी और की भी बाइक नहीं मिल रही है यार, कोई बात होती है? तुम लोग खुद देखो भाई, कोई बंदा बाइक नहीं चला रहा है बीच पर, जबकि मैं इधर तो बंदे स्कूटर बाइक साइकिल वगैरह सब लेके निकलते हैं। गुस्सा आ रही है मुझे बहुत ज्यादा, एक भी बाइक नहीं मिल रही आज मुझे। बाइक मिली बाइक मिली लॉन्डे, अरे इधर मिल गया भाई बाइक, और तो जाने नहीं दूंगा, रुक डाउन कर दिया फाइनली मैंने उसे। मिल गई फाइनली बाइक, मिल गई हम लोग यार, बंदा कहां गया जिसमें डाउन किया, भाग गया लगता है, जो भी बाइक मिल गई यार, अब क्या चलते हैं इसे लेकर फटाफट से कंप्लीट करते हैं उस स्टेयर वे चैलेंज को, अब तो बहुत जल्दी हो जाएगा वो। इसे कहते हैं भाई स्मार्टली चीटिंग करना, मैं अपने दिमाग की हेल्प से यहां पर चीटिंग करने वाला हूं।
इन लोगों ने मुझे ऑफर दिया कि या तो मैं इनकी $1,000 में साइकिल खरीदूं या फिर $1,00,000 में इनकी बाइक खरीदूं, लेकिन मैं खुद की बाइक लेकर आ गया भाई। वेट वेट, क्या हो गया ये? अरे ये क्या हुआ? अरे वो क्या हुआ भाई? हेलो, बाइक कैसे ब्लास्ट हो गई और मेरे पैराशूट में आग लगी? नहीं नहीं नहीं, अरे वो बाइक कैसे ब्लास्ट हो गई अच्छी खासी? अरे ये क्या हो रहा है भाई? लगता है रैंप वालों ने ऐसा कुछ फिक्स कर रखा है भाई कि अगर मैं बाहर से कोई बाइक लाऊं तो वो बाइक यहां स्टेयरवे पे चढ़ते ही ब्लास्ट हो जाएगी। अबे यार कोई बात होती है ये? छोड़ो गाइस, मैं अब नहीं ला रहा कोई बाइक, इन्हीं के ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट कर लेता हूं। कोई बात नहीं, चलो $1,000 लगेंगे ना साइकिल के, साइकिल ले लेते हैं। साइकिल के लिए $1,000? अरे मेरे पास $1,000 भी है ही नहीं है। तो कोई इतने तो होंगे यार मेरे बैंक के अंदर। अबे नहीं यार भाई, $328 है सिर्फ, ये देखो। अरे कोई बात होती है ये? अब $1,000 का जुगाड़ करने जाऊं मैं, क्या करूं $1,000 का जुगाड़ करने के लिए? यार मेरे जूते हैं महंगे से, जूते बिक जाएंगे मेरे। रुको, मेरे पास आइडिया है। काम करता हूं गाइस, यहां बगल में कोई कपड़े वपड़े की दुकान होगी, वहां पे जूते बेच के आता हूं मैं। यही करना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन तुम्हें नजर आ नहीं रहा है। अपनी गाड़ी तो नहीं बेचूंगा $1,000 के लिए। चलो फटाफट बेच के आते, फटाफट फटाफट। चलो चलो चलो, कहां है कपड़े की दुकान? इधर लेनी चाहिए, इधर इधर ही होती है ये, क्या? हाँ नहीं, ये नहीं है। चलो मिल गया मिल गया मिल गया, कपड़े की दुकान मिल गई। अपने शूज बेच के आता हूँ, $1,000 में बिक जाएंगे। ओके गाइस, तो मैंने अपने शूज बेच दिए और यस $1,000 में बिक गए यार। लेकिन नंगे पांव अजीब सा लगा है। कोई बात नहीं, एक बार चैलेंज कंप्लीट कर दूं मैं, उसके बाद जो लाखों करोड़ों डॉलर मिलेंगे उसका इस्तेमाल करके मैं अपने लिए सोने के शूज बनवाऊंगा। क्या बात करो तुम लोग, बस तुम लोग देखते जाओ भाई, मुझे ये पहुंचने दो स्टेयरवे के टॉप पे, फिर तो मजा ही आ जाएगा। गाड़ी में यहां लगाता हूं, चलते हैं पैदल। ऐसे सीढ़ियां तो चुभेंगी लेकिन ज्यादा नहीं, साइकिल एक बार मिल जाए तब दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, पहुंचने वाला हूं मैं टॉप पे, स्पेशली साइकिल के पास। और वहां पर जैसे मैं अपने $1,000 रखूंगा, साइकिल से किए जाएगा हट जाएगा, साइकिल अनलॉक हो जाएगी, जिसको लेकर आगे बढ़ सकता हूं फाइनली। वैसे यार मैंने कुछ ज्यादा ही अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश की, चलो भाई किसी और की बाइक ले आते हैं और फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन पता नहीं स्टेयरवे चलने वालों ने क्या किया, वो बाइक लाते ही ब्लास्ट हो गई। खैर $1,000 रखते हैं यहां पे, यहां पर जैसे मैंने $1,000 रखे, यहां से जो केज है वो हट चुका है। ओके, अबे बाइक तो आगे नहीं चल रही यार। चल भाई, ओके ओ कैश गायब हो गया जो मैंने रखा, और अभी बाइक चल रही है भाई। क्या सिस्टम है ये सब, लेकिन जो भी है मजा आ रहा है। फिलहाल बिना जूतों के पैरों से मैं बाइक चला रहा हूं यार, मतलब साइकिल चला रहा हूं, दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, पहुंच जाएंगे एक बार टॉप पे, फिर तो बहुत तगड़ा प्राइस देने को मिलेगा। ओ भाई साहब, साइकिल साइकिल हल्के में नहीं ले सकते भाई, साइकिल ये $1,000 की थी, मतलब $100-$200 में अच्छी खासी साइकिल मिल जाती, लेकिन ये $1,000 की पड़ी है मेरे को। साइकिल तो क्या तगड़ी है, अरे लेकिन वो गिरती जा रही है। अरे प्लीज रुक जा, साइकिल आ रहा है, क्या हो रहा है आज? मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं जितनी जल्दी कंप्लीट करने की सोच रहा हूं उतना ही मैं लेट हो रहा हूं यार। रुक जा साइकिल, रुक जा प्लीज मेरी साइकिल, अरे रुक जा भाई प्लीज। ओके जंप, ओके जंप, ओके चलो भाई। अरे रुक जा, अरे मेरे को धक्का दे रही है मेरी साइकिल। अरे रुक जा साइकिल, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा यार, ये तो खुद भी जा रही है, मेरे को भी धक्का दिया जा रहा है। अरे रुक जा भाई, रुक जा, क्या हो रहा है मेरे संग आज ये? प्लीज रुक 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 मेरी साइकिल, रुक। ओके हां रुक, अरे यार क्या हो रहा है ये? ओके फाइनली फाइनली अभी उठाते हैं, उठ जा मेरी साइकिल। ओ नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से गिर गया, मैं फिर से गिर गया। अरे क्या हो रहा है मेरे संग आज, मैं कभी कर भी पाऊंगा कि नहीं, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा भाई। तुम लोग ये काम करो गाइस, जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि ये चैलेंज मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूं। ओ मुझे लगा मेरी साइकिल नीचे गिरी, बच गई। जाओ गाइस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और मैं वापस से लेवल 1 पे आ गया, लेवल 2 तक का पहुंचूंगा। पता नहीं लेवल 2 कितना मुश्किल होने वाला है, यहां तो लेवल 1 से ही नहीं निकल पा रहा मैं। ओके चलो भाई, वंस अगेन लेट्स गो। ओके फुल स्पीड, कम ऑन फुल स्पीड, चलो भाई भगाते रहो भगाते रहो भगाते रहो। लेवल 2 पे पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं मजाक से बता रहा हूं भाई। अबे यार क्या है ये बाइक? अरे यार नहीं भाई, ये $1,000 मेरे बेमतलब में वेस्ट हो गए। मुझे लगता है वो जो बाइक पड़ी हुई है ना भाई वहां पे, जो स्टंट बाइक है उसे अनलॉक कर लेना सही रहेगा। यस, ये साइकिल तो मेरा और दिमाग खराब कर रही है भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं साइकिल से ट्राई कर रहा, छोड़ो साइकिल को, मैं चला भाई अपनी गाड़ी देखने। यस मैं अपनी उरुस देख रहा हूं, मन तो निकल रहा है यार, अभी अभी जस्ट खरीद कर आया हूं, लेकिन देखना पड़ेगा। $1,000,000 के लाया था मैं ये उरुस, अब देखते हैं वापस को कितने मिलता है। $1,000,000 में ले लेगा यार, मैं तो 1-2 घंटे पहले खरीद के लाया हूं मैं साइमन के शोरूम से, माना कि थोड़ी स्क्रैच आएगा, चलता है। चलते हैं गाइस, $1,000,000 लाते हैं, उसमें से $1,00,000 रख देंगे ताकि हमें वो बाइक मिल जाए और हम लोग जल्द से जल्द टॉप तक पहुंच पाए यार। चलो भाई चलते हैं साइमन के शोरूम। ओके साइमन भाई प्लीज $1,000,000 में ले ले यार अपनी डील, मतलब अपनी गाड़ी। साइमन साइमन मेरे दोस्त, कैसे हाल चाल? $1,000,000, ओ सॉरी, ओ क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, सॉरी साइमन साइमन गलती हो गई यार, प्लीज $1,000,000 में अपनी गाड़ी वापस ले ले यार, मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी है, तू देख सकते हैं मेरे पैरों पे जूते भी नहीं है, प्लीज यार $1,000,000 में गाड़ी ले ले। गाइस यहां पर साइमन से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं निकला यार, मैंने इससे कहा $1,000,000 में गाड़ी ले ले, तो ये कह रहा ले लेता मैं $1,000,000 में अगर तुम ठोकते नहीं, तुमने ठोक दी इसलिए मैं गाड़ी $5,00,000 में लूंगा। भाई सीधे आधा कर दिया प्राइस, अच्छा खासा $1,000,000 में बिक रहा था, क्यों ठोकी मैंने गाड़ी यार, गलती से ठोकी यार, ब्रेक लगाया रुकी नहीं, व्हाटएवर, $5,00,000 का नुकसान हो गया सुबह सुबह। देखते हैं वहां से कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता यार, सीढ़ियां चढ़ने के चक्कर में इतना नुकसान झेल रहा हूं मैं, हूं कि वहां पर एटलीस्ट कुछ कुछ तो मिल जाए यार, कुछ तो मिल जाए। चलो फटाफट से निकलते हैं स्टेयरवे के पास, टैक्सी पकड़ के जाना पड़ेगा, तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, उस तो देख के आ गया साइमन को, वो भी आगे प्राइस में, तो क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एक काम करता हूं, $1,00,000 ही तो चाहिए उस बाइक को अनलॉक करने के लिए, तो अपना जो बैग है या झाड़ियों में छुपा देता हूं $4,00,000 रख के, और $1,00,000 लेकर चलता हूं उस बाइक के पास रखूंगा। हां ये ठीक रहेगा, तो $4,00,000 का मैंने बैग यहां पर छुपा दिया है, $1,00,000 मैंने जेब में रख लिया है। अरे क्या है भैया, सारी पागल हो गए लॉस एंजेलिस वाले, आंटी जी रैपिड रैपिड बजा दूंगा मैं। ओके अभी $1,00,000 लेकर चलते हैं और उस बाइक को सबसे पहले अनलॉक करते हैं। चलो भाई बैक टू द फर्स्ट लेवल, अभी तक यार सेकंड लेवल तक नहीं पहुंचा हूं मैं, बताओ कितना मुश्किल है आज का ये चैलेंज। चलो भाई $1,00,000 रखते हैं इधर। ओके $1,00,000 मैंने यहां पर रख दिया है, और अभी फटाफट से बाइक को अनलॉक करते हैं, और अभी पैसे गायब हो जाएंगे ऑब्वियसली, और अभी बाइक एकदम वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। ये क्या हो गया, अरे गिर गया भाई मैं उस साइकिल को रास्ते से हटाने के चक्कर में। अरे इस वाली साइकिल को हटाने के लिए आया था मैं, और नीचे ही गिर गया सीधे। चलो हटाओ इसे फालतू की साइकिल, बार बार गिर रहा हूं मैं इससे, $1,000 बेमतलब में वेस्ट हो गया। शूज बेच दिया मैंने $1,000 के चक्कर में, आ गया इसकी बाइक बढ़िया एकदम, ओ तेरी बाइक तो भाई सुपर फास्ट स्पीड में जा रही है एकदम। ओके चलो भाई इसे खरीदने का डिसीजन आएगा, अपना बेस्ट डिसीजन रहा अभी तक। ओके 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 नाइस नाइस नाइस, ओ बहुत ही बढ़िया यार, अरे क्या बात है क्या बात है, ओए क्या बात है, सेकंड लेवल तक पहुंचने वाले हैं, क्या बात है। ओके ओके सेकंड लेवल पे भाई इतनी सारी गाड़ियां कहां से आ गई हैं, कितनी सारी गाड़ियां किस लिए भाई, मेरे लिए, एक मेरे लिए क्यों होंगी इतनी सारी गाड़ियां, आई हैव नो आईडिया इतनी सारी गाड़ियां क्यों हैं, जो भी हो मुझे क्या बाद में लेकर जाएंगे भाई सारी गाड़ियां। और फटाफट से लेवल 3 पर पहुंचते हैं, देखते हैं फुटबॉल के अलावा वहां पर एक्चुअली है क्या। चलो 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 चलो, अबे चलो भाई, हेलो क्या है यहाँ पे, बाइक क्यों नहीं जा रही है, कोई इनविजिबल वॉल है क्या भाई, लग तो रहा है यार कोई इनविजिबल सी वॉल है यहाँ पे, हैं कैसी वॉल है ये। यस गाइस यहाँ पर देखो भाई निशान पड़ रहा है हवा में, यहाँ पर कोई इनविजिबल वॉल है, देखो मैं खुद जाने की ट्राई करूँ। ओके नहीं यस यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल है, मैं ठुक रहा हूँ भाई, यहाँ पर जरूर कोई ना कोई इनविजिबल वॉल है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये आई गेस यहाँ पर कोई पजल है जैसे हमें सॉल्व करना है, और उसके बाद वो वॉल हटेगी। अरे यार पजल मत दो, मुझे लेवल 3 पे जाना है, और देखना है कि फुटबॉल के अलावा भी कुछ है कि नहीं है प्राइस वहाँ पे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं भाई, मेरा सब कुछ बिक गया, $5,00,000 का नुकसान हो गया, पैरों में जूते नहीं है, और यहाँ पर इनको पजल की पड़ी है भाई। ओए वेट यहाँ पर एक और पेपर पड़ा हुआ है, चलो उठा के रीड करते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखा है पुश ऑल कार्ड्स एंड मेक देम फॉल टू अनलॉक।
ओके समझ लो भाई तुम लोग कहने का मतलब पुश ऑल कार्स मतलब हमें सारी गाड़ियों को धक्का देना है और उन्हें नीचे गिराना है ताकि ये अनलॉक हो जाए। ओके ये है चैलेंज। अच्छा ये पजल आ रहा है यार, ये बहुत ही सिंपल सा मैं चुटकी बजा के लगूंगा। क्या है इसमें सबसे हैवी वाली गाड़ी लो भाई, ये वाली रेंज रोवर और धक्का दे दो इससे सारी गाड़ियों को। सबसे सिंपल एंड इजी एंड वेरी वेरी इजी टास्क। ओके ये गई बुगाड़ी, ओके ये गई, ओके रुको रुको भाई सबसे इजी है ये तो। ओ नहीं इजी, अबे यार इजी के चक्कर में मैं गिर गया नीचे। इतना भी इजी नहीं समझना चाहिए किसी काम को। और क्या लैंडिंग हुई यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे लैंडिंग पे खुश होना चाहिए या फिर मैं नीचे गिर गया उस बात का दुख मनाना चाहिए। मेरी बाइक भी तो ऊपर ही रह गई, क्या किस्मत मेरी। ओ नो क्या करूं मैं, अब पैदल जाना पड़ेगा क्या? प्लीज यार ऐसा मत करो, पैदल नहीं जाना मेरे को, लगता है पैदल जाना पड़ेगा। चलो गाइस पैदल चलते हैं। यार वैसे गिर के एक बात तो अच्छी हुई, दो गाड़ियां लेके आ गए मैं सामने, एक रेंज रोवर एक बुगाटी है। मान लो एंड में जाके वहां पे कुछ नहीं भी मिला, फुटबॉल के अलावा मान लो कुछ भी नहीं मिला, तो एटलीस्ट मेरे पास कम से कम कितनी गाड़ियां वहां पर, रुको मैं पहुंच के गिनता हूं। एटलीस्ट उतनी गाड़ियां नीचे गिराऊंगा तो थोड़ी सी भी डैमेज होने के बाद गाड़ी तो बची रहेगी। तो उतनी सारी गाड़ियां मेरी, अरे वाह यार फायदा ही फायदा है इस स्टेयरवे को कंप्लीट करने में तो। यस 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 लेट्स गो। चलो 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 ओके यार बाइक तो ऊपर ही आ गया। चलो साइकिल बैठ के अपने साइकिल से चलते हैं, कहीं ना कहीं तक तो पहुंचा ही देगी। काम करो मैं साइकिल को काफी स्लो चलाता हूं, देखो हर बार मैं एक पॉइंट था वहां जाकर गिरता था। चलो कोई नहीं, आते पहुंच गए साइकिल खेल से, बाकी इतना पैदल कवर कर लेंगे। चलो 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 फुल स्पीड भाई, धीरे भी चलाओ साइकिल को तब भी गिराई देती है, वो बेकार है। ओके सेकंड लेवल पर वापस से पहुंचने वाले हैं, पैदल ही सही लेकिन एटलीस्ट पहुंचने तो वाला हूं। ओके चलो भाई $5,00,000 का जो अपने उरूस में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हो जाएगी यहां पर, जितनी भी गाड़ी बल्कि उससे ज्यादा पड़ जाएंगे अपने को। टैर्जो भी यहां पर, टैर्जो तो वैसे काफी महंगी मिलती है, वो दिक्कत है नीचे गिरने के बाद थोड़ी डैमेज हो जा रही सारी गाड़ी, पर चलता है इतना। अब एक काम करते हैं, गाड़ियों को पुश करते हैं जो बाकी गाड़ी बची हुई है, और इस बार थोड़ा संभाल के, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, पिछली बार ओवर कॉन्फिडेंस चक्कर में मैं गिर गया। ये देखो दोनों गाड़ी कितनी महंगी महंगी होती है, ये और यार ये भाई दोनों की दोनों हुई, और ये नीचे गिरने के बाद डेफिनेटली अगर थोड़ा सा हिस्सा बचा रहेगा ना, दोनों देखो नीचे लाल और पीली गाड़ी गिर रही है, दोनों पहुंच गए फाइनली नीचे, थोड़ा सा हिस्सा बचा रहेगा तो गाड़ी अपने अच्छी खासी कीमत पर पड़ जाएगी। ओके ओके कितनी गाड़ी गिरा भाई, आई गेस 10-12 गाड़ियां थी, 10 थी एटलीस्ट तो। और यहां पर चलो ये भी गई टैर्जो, और वो वाली आगे पोर्शे थी, पोर्शे पहुंच गई पहले, और ये पहुंच गई ग्रीन कलर की टैर्जो। भाई सारी गाड़ियां इसी घर में गिर रही है। ओ नहीं मेरी, अबे यार गाड़ियां देखने के चक्कर में मैं भी गिर गया, और लैंडिंग वापस से क्या क्रिएट हुई है। व्हाटएवर गाइस ये इस घर में मुझे लगता कोई रहता है, स्विमिंग पूल देखो सूखा पड़ा, हां वर्कर्स काम कर रहे हैं। जो भी भाई गाड़ियों की सुपर कार्स की बारिश हो रही है, ये देखो टैर्जो कितनी बढ़िया कंडीशन में है, मजा आ जाएगा एक बार मैं बस ये कंप्लीट कर लूं स्टेयरवे चैलेंज। जो मत लेना कोई सा गाड़ियां छोड़ूंगा नहीं मैं। हेलो एवरीवन वेलकम टू द फर्स्ट लेवल अगेन, दो बार गिर चुका हूं यार सेकंड लेवल से, और ये देखो ये साइकिल कितनी स्लो चला लो, फेंक ही देती है मुझे उठा के, पैदल चलते वापस से सेकंड लेवल तक वापस पहुंच चुका हूं मैं। और ये कौन सी गाड़ी है, ये भी पोर्शे नहीं, पोर्शे नहीं कोई और, ये वोक्सवैगन टाइप की है कुछ तो, ये इन्फर्नस कर देते हैं, दोनों इन्फर्नस है। चलो भाई ये सारी गाड़ियां यहां पर गिर गई। चलो भाई इसी के साथ हो गया चैलेंज कंप्लीट, और हम लोग अभी आगे जा सकते हैं बिंदास। चलो भाई अबे अरे नहीं यार वॉल कैसे ओपन होगी, सारी गाड़ियां गिरानी हमें तो, यहां पर एक ये वाली तो बाकी रह गई, अब इसको कैसे गिराऊं। रुक जाओ इसको किनारे पे छोड़ के और मैं आ जाता हूं बाहर। यस बाहर आ गया मैं, और इसको थोड़ा सा बाइक से धक्का दे देंगे या खुद ही धक्का दे देंगे, रुको मैं अपनी शॉटगन से धक्का मारता हूं उसको। चल चल नीचे जा नीचे जा नीचे जा नीचे 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 नीचे, बहुत बढ़िया। अरे वाह इसे कहते हैं गाड़ी को गिराना, क्या स्मार्टली गिराया मैंने इसे। गई भाई ये गाड़ी भी गई, इसी के साथ आगे सब तो वो वॉल हट चुकी होगी एटलीस्ट, तो वॉल हट गई भाई। यस सीढ़ियों को डैमेज पहुंचा, इसका मतलब वॉल हट चुकी है। ये वापस कंटिन्यू करते हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे गाइस लेवल 3 की तरफ। लेवल 1 बहुत डिफिकल्ट था, लेवल 2 था कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था, बट जल्दबाजी के चक्कर में बार बार गिर गया मैं, बट लेवल 3 तक हम लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं गाइस। बट उससे पहले लाइक अभी तक नहीं किया भाई तुम लोग, लाइक करो सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी चलते हैं टॉपिक, देखते हैं फुटबॉल के अलावा कुछ है कि नहीं। ओ पहुंच भी गए यार, बाइक लेना मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था भाई, साइकिल लेना सबसे वर्स्ट डिसीजन था, बाइक लेना सबसे बेस्ट था। रुक जा बाइक बस रुक जा, वो यकीन नहीं हो रहा यार इतनी नीचे से भाई आ गया मैं यहां पर फाइनली टॉप। तुम लोग देखो भाई मैं कहां से चढ़ता हुआ आया हूं, अपना फोन निकालता हूं जरा, फोन मेरा फोन कैमरा। ओके ये देखो भाई ये स्टेयर केस जो है कहां से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है ये तो मैं खुद ही पता लगा रहा हूं, वो देखो वहां से देखो भाई वहां से शुरू हो रहा है, कितनी हाइट तक मैं फाइनली पहुंच चुका हूं। ओके फुटबॉल से यार मेनली यहां पे तो लगता है कुछ फायदा नहीं हुआ यहां पे आने का यार, फुटबॉल है बस, फुटबॉल नहीं यार फुटबॉल के अलावा भी कुछ होगा फिलहाल फुटबॉल। अरे फुटबॉल को टच करते ही वो फुटबॉल गिर गई, और वहां पर कुछ तो दिखा मुझे, रुको रुको मैं लैंड करने की कोशिश करता हूं, ये वापस सही वापस इसी प्लेटफॉर्म पर लैंड करने की कोशिश करता हूं गाइस। ये रुक जाओ सेकंड लेवल पे भाई, वो फुटबॉल गिर गई लेकिन वहां कुछ तो निकल के आया बाहर, जहां तक था भाई ये गोल्ड का ट्रे था। चलो चलो इतना तो मैं पैदल भी खुली चढ़ता हूं, जल्दी जल्दी चढ़ते हैं भाई, मुझे क्या लग रहा है फुटबॉल के अंदर गोल्ड का ट्रे है क्या, सारी फुटबॉल के अंदर फिर तो मजा ही आ जाएगा। लेट्स गो चलो 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 भाई चलो बैक टू द टॉप। ओके बाइक, अरे यार ये बाइक तो सीढ़ियों के बीच में अड़ गई है, साइड से निकल जाते हैं। ओके ओ यस वो गोल्ड का ट्रे है भाई, तो इसका मतलब सारी फुटबॉल के नीचे गोल्ड का ट्रे है। रुक जाओ मैं उनको टच नहीं करूंगा, क्योंकि टच करता हूं तो फुटबॉल मेरे को धक्का देके गिरा देती है, मैं उन पे गोलियों से शूट करूंगा और सारी फुटबॉल आई थिंक हट जाएंगे। मैं तो भाई नीचे से सोच रहा था कि फुटबॉल के अलावा भी कुछ है क्या, लेकिन यहां पर तो फुटबॉल के अंदर ही कुछ है। ये देखो अबे ये क्या था, अरे उसके अंदर से एक फुटबॉल निकली और ओके सारे अनलॉक कर लिया गया, सारे फुटबॉल नीचे गिर गया, उसका क्या सीन है पता नहीं भाई। ओके ओके सबके अंदर गोल्ड ट्रे था, अब इन गोल्ड ट्रे को भी पुश करना है नीचे की तरफ। चलो इनको भी आगे शूट करूंगा तो ये नीचे गिर जाने चाहिए, यस ऑब्वियसली अटक जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पे नीचे निकल गया। ओके ये गया नीचे, चलो भाई ये भी गया नीचे, बहुत ही बढ़िया, अरे वाह वाह मजा आ गया मजा आ गया। ओके ये भी गया नीचे, ये वाला गोल्ड ट्रे भी नीचे गया, ये भी नीचे गया, तू जा नीचे जाओ गोल्ड के ट्रे नीचे चल नीचे चल, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैं भी लगा देता हूं साथ ही साथ जंप। ओके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, कहां सारे गिर रहे हैं गोल्ड के ट्रे, वेट अ सेकंड गाइस जरा गिर रहा, देखो मेरे पीछे गिर रहा है वो, गिर कहां रहे हैं सारे। ओए ओए चोरी करके मत भागना भाई, मुझे लगता है यार सुपर कार्स को कलेक्ट करने की जरूरत है, वो 10 गाड़ियां मैंने गिराई थी, बट स्टिल देखेंगे ले लेंगे। अब गोल्ड के ट्रे तो अपने को मिल गए, अरे सारे पेड़ के अंदर घुस गए क्या। ओके नीचे क्या, ओ सिमेट्री है, तो कितने गोल्ड के ट्रे दिख रहे हैं, एक दिख रहा है दो दिख रहे हैं तीन दिख रहे हैं पांच, देखो भाई एक सेकंड बाकी कहां गए, तीन ही नजर आ रहे हैं, दो पेड़ तो नहीं लग गए, नहीं पेड़ तो नहीं है। ओए ओके ये रहे बाकी के, तो एक दो तीन चार पांच, पांच में पांच गोल्ड ट्रे मिल चुके हैं गाइस। इसी के साथ आज ये स्टे ऑफ इट हेवन चैलेंज में भाई लिटरली में हेवन मिल गया, अपने को मजा आ गया यार, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन फुटबॉल के अंदर इतना सारा गोल्ड निकलने वाला है। मैंने सोचा था कि हो सकता है शायद थोड़े बहुत अपने को पैसे मिल जाए या फिर कुछ और लग्जरी चीजें मिल जाए, या फिर जब मेरे को सुपर कार्स दिखी थी तब तो मैंने बिल्कुल भी छोड़ी थी, मुझे लगा कि भाई मसीह अपने को सुपर कार्स मिलने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं। बट आज के स्टेयरवे चैलेंज भाई बहुत ज्यादा लकी रहा मेरे लिए, एक तो 10-12 सुपर कार्स मिल गए जिसमें पोर्शे है, लैम्बोर्गिनी है, इन्फर्नस है, इसके अलावा भाई रेंज रोवर है, फिर टैर्जो है, फिर बहुत सारी गाड़ियां हैं डिफरेंट डिफरेंट। और यहां पर देखो भाई इतना सारा गोल्ड मिल गया, पांच ट्रे, ये एक ट्रे भी एटलीस्ट 25-30 करोड़ से कम का नहीं होगा भाई, 100-200 करोड़ तो ऐसे अपने को फायदा हो गया। मैं $5,00,000 के लिए रो रहा था, 4 करोड़ के लिए, छोड़ भाई मजे आ गए, पूरा फायदा ही फायदा है। ये फुटबॉल ये भी सस्ते सस्ते लोकल लोकल से बेच ही देंगे, क्या दिक्कत है। लो गाइस तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो गाइस, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय। अरे मेरा गोल्ड लेकर चलते हैं इसे, और साइमन के मुंह पे मार के वापस अपनी उरूस लेके आते हैं। हां भाई लेने चला मैं तो अपनी उरूस।